शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ रोड के किनारे बाइक की पार्किंग भी बढ़ती जा रही है। कल रात में मुंब्रा पुलिस, मनपा अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर शिमला पार्क से लेकर तनवर नगर और दारुल फला से अमृत नगर तक रोड के किनारे लगे बाकड़े स्टालों पर जो है कार्रवाई कर सामान जब्त कर लिया है। इसके पहले भी दारुल फला के पास लगने वाले स्टॉल वालों को पुलिस ने वार्निंग दिया था कि पीछे लगाया करें, मगर इसके बावजूद दुकानों के आगे स्टॉल लगाए जा रहे हैं और सामने लोगों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल तक ये लोग लगा कर रखते हैं। और जो लोग खाने पीने के लिए यहाँ पर आते हैं वो लोग गाड़ियों को रोड पर ही पार्क कर देते हैं, मगर यहाँ पर कल कार्रवाई कर कुर्सी टेबल दुकानों के सामने जो तंबू लगा कर रखा गया था वो सब पर कार्रवाई कर मनपा ने जब्त कर लिया है। और ज़्यादातर लोग रात के समय खरीदी करने के लिए निकल रहे हैं, ऐसे में गुलाब पार्क मार्केट के आसपास पार्किंग सुविधा और ना ही कहीं पे पार्किंग की सुविधा है जहां खरीदी करने आने वाले लोग गाड़ियों को पार्क कर सकें। ऐसे में बड़ी संख्या में रोड किनारे ही पार्किंग की जा रही है। जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ेगा, ईद नज़दीक आएगी, उस वक्त तक काफ़ी बुरा हाल होने वाला है, लोगों को ट्रैफिक जाम से और भी जूझना पड़ सकता है। बहरहाल कल मनपा अधिकारी सागर सालुंखे, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI निवृत्तु कुलहटकर और ट्रैफिक विभाग ने जो है कार्रवाई कर यहाँ पर जो तंबू वगैरह लगाए गए थे दुकानों के सामने, स्टॉल जो लगाया गया था और खाने पीने के लिए जो टेबल कुर्सी लगाई गई थी, इन सभी चीज़ों को जब्त किया है। हम लोग भी आ जाएंगे। चलेंगे, काम करो, चलेंगे।